अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यान। आप देख रहे हैं डिस्कवर विद्यायान। तो आज मैंने सोचा जी हम जाएंगे जी फिश खाने दरियाए पांचनाद पे, जहाँ पे पांचों दरियाओं का संगम है, यानी के पांचों दरिया वहाँ पे आके मिलते हैं। आगे फिर एक ही दरिया दरियाए सिंध जो कहलाता है वो चलता है, मतलब आगे से वहाँ से वो निकलता है। वहाँ पे बराज भी है और साथ में वहाँ पे फिश पॉइंट भी है। वहाँ की फिश की जो कह लेंगे खसूसी स्पेशलिटी है वो ये है कि जी वो सिज्जी बनाते हैं। बनाते तो वो ऑयल में है या फिर सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका जो मसाला वो यूज़ करते हैं ना, बड़ा ही कमाल का। मैं ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पाकिस्तान मतलब कि कह लें कि विज़िट कर चुका हूँ, और जाहिर सी बात है जहाँ पे भी जाएँ कुछ नया ट्राई करते हैं। खाने में भी इस सीज़न में भी मेरा ये चौथा चक्कर है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। तो आए जी चलते हैं। नहीं जी, घर से निकलाए थे तो अभी जिस तरह आप लोगों को पता है कि हमेशा की तरह मैं ही होता हूँ ड्राइवर, तो अभी मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ और साथ में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा ना कह लें कि वो होल्डर लगाया है, मोबाइल होल्डर, वहाँ पे मैं मोबाइल रख देता हूँ और उसके साथ साथ जो है ये वीडियो मेरी बनती रहती है। तो मुल्तान से अगर आप आते हैं तो तकरीबन ये आपको 100 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप कराची वाली साइड से या लाहौर या जिस भी साइड से आएंगे तो आप मोटरवे का सफ़र करें। ये बड़ा बेहतरीन और कह लें कि अमेजिंग रूट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग भावलपुर वाली साइड से हैं तो आपको किसी भी मतलब जो हाईवे है उस पर आना पड़ेगा, और अगर आप लाहौर या फिर सखर वाली साइड से आ रहे हैं तो मोटरवे पर आएँ, और मोटरवे पे आए उच्च शरीफ का एक आगे पॉइंट आएगा जहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे। ले जी फाइनली हम पहुँच गए हैं जी उच्च शरीफ। जिस तरह मैंने बताया, जब भी मोटरवे पे आए आप लोगों ने उच्च शरीफ से नीचे उतरना है, ठीक है। ये यहाँ के सिटी का नाम है उच्च शरीफ, किसी दरबार का नाम नहीं है। तो ये आ गया जी सामने, आप देख सकते हैं उच्च शरीफ का टोल प्लाजा। यहाँ से हमने लेना है जी एग्ज़िट, और यहाँ पे भी आपको सिंपल वही जो किसी भी मोटरवे पे आप जब भी एग्ज़िट करते हैं तो आपका वही, अगर आपके पास वो क्या बला है, आपका जो है वो टोकन लगा है तो आपका जो एम टैग उससे पैसे कट जाएंगे, ठीक है जी। ये आ गए यहाँ से, यहाँ से जैसे ही आप लोग नीचे उतरेंगे तो अभी ये ट्राला थोड़ा इस साइड पे होगा, तो आप लोगों को आगे जो है ना वो दो बोर्ड नज़र आएंगे, ठीक है। अगर आप सखर वाली साइड से आ रहे हैं तो भी आपको यही दो बोर्ड नज़र आएंगे, और अगर आप मुल्तान वाली साइड से या लाहौर वाली साइड से आ रहे हैं तो भी आपको यही दो बोर्ड नज़र आएंगे। आपने यहाँ से अलीपुर की तरफ जाना है, ठीक है। अभी मैं उतरा मुल्तान वाली साइड से, तो उच्च शरीफ की जानब नहीं मुड़ना, हमने मुड़ जाना है अलीपुर की जानब। यहाँ से तकरीबन बमुश्किल जो है 10 से 11 किलोमीटर का फासला है। उसके बाद ये देखें जी, अब हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं जी पंजनाद का जो एरिया है। यहाँ पर ये मछली फरोश बैठे हुए हैं, यहाँ से आपने बिल्कुल फ़िश नहीं खानी। मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा जहाँ पे मैं आता हूँ, और तकरीबन मैं पिछले 4 साल से हम लोग मुसलसल मैं अपने दोस्तों के साथ आ रहा हूँ, और अभी जो है मेरे लाहौर और बाकी मतलब के सिटीज़ के दोस्त वो कहते हैं जी हम आ रहे हैं, हम जो है मोस्टली सर्दियों में आते हैं। उसकी वजह कि सर्दियों में यहाँ का माहौल भी एक मतलब कह लें बन जाता है, आप थोड़ी आउटिंग भी कर लेते हो और साथ में फ़िश भी खा लेते हो। लें जी सामने ये आपको बोर्ड मिलेगा यहाँ पे खुशामदीद पांचनाद बिराज, ठीक है। यहाँ से आपने मारना है जी राइट। जैसे ही आप यहाँ से राइट मारेंगे, ये छोटा सा ही मतलब बामुश्किल 100-150 मीटर का ही मतलब कह लें कि आपको ये लेफ़्ट राइट जाना पड़ेगा, और उसके बाद चलें जी हो गया रोड क्लियर, अब हम जाएंगे जी लोडाला आ गया। अच्छा खैर, ये लें जी यहाँ से आप लोगों ने जैसे ही टर्न मारना है, ये आगे जाके जहाँ पे पक्की सड़क, मज़े की बात यहाँ पे भी आगे आके ना ये दो सड़कें निकलती हैं, एक आपके लेफ़्ट साइड पे मुड़ जाती है और एक सीधी चली जाती है। आपने सीधे बिल्कुल नहीं जाना, ये बिराज के बिल्कुल साथ रहना है। ये देखिए जैसे ही आप यहाँ से मुड़ेंगे और ये सड़क जा रही है सीधी, आपने सीधे नहीं जाना, आपने फिर से जो है वो लेफ़्ट साइड को यहाँ से हम मुड़ जाएँगे, और इसके आगे ये बिल्कुल सामने जैसे ही हम ये तीसरी जो नहर है जो इस दरियाओं के संगम से निकलती है, ठीक है, ये क्रॉस करेंगे आगे जो प्रॉपर मार्केट शुरू हो जाएगी, ये सारे के सारे मछली फरोश हैं यहाँ पे। यहाँ पे आपको जो है अगर आप कश्ती रानी करना चाह रहे हैं या दरियाओं की सैर करना चाह रहे हैं, कश्तियाँ वगैरह भी मिल जाती हैं। और आज मेरे साथ आए हैं जी कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, तो जाहिर सी बात है बच्चों को थोड़ा इंटरटेन करूँगा। तो अभी हम चलते हैं जी पहले कश्ती की तरफ।
लेकिन यहाँ पे आके आपने इनके साथ ना अच्छी खासी मगजमारी करनी है। मतलब मगजमारी से मरा दिए कि पाया नहीं इतने आके तुसी प्रॉपर बहस करनी इन्हों के नहीं यार इतने च नहीं इतने चोरी वजह कि ये एक मतलब चक्कर तो छोटा जहा हों डेफिनेटली ये लोग भी आपके मतलब बच्चों की रोजी रोटी बैठे ने तो उन्होंने भी इतों ही कमाना इतों ही खाना। खैर इन्होंने 3,000 मंगया सी मैं 2,000 च की फाइनल ये लैके जाएंगे उत्थे जिथे यानी कि 5 दरिया तो खैर नहीं मिलते क्योंकि पिछले 3 एक सैड तो मिल रहे ने 2 एक सैड तो उस मुकाम पर आपको ये जाऊगा लैके जाऊगा ठीक है। तो तुम जोड़ा है वा अपना इतने आओ अगर थोड़ा मूड बन रहा वा कि ठीक है जी दरियावें घूमना वा या अगर तुम छोटी भी राइड लाओगे 200, 500, 1,000, 1,200 डिफरेंट उन्होंने पैकेज आ तो ये अपना उस हिसाब नाल तुहानू डील करनगे। अच्छा जी फाइनली हम लोग आ गए हैं जी इधर जहाँ पे 5 दरिया मिलते हैं। 3 मेरे इस साइड से आ रहे हैं और 2 जो हैं वो आ रहे हैं जी इस साइड से। अल्लाह भला करे ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आके 5 दरिया एक साथ मिल जाते हैं। जब गर्मियाँ होती हैं यहाँ पे जो है वो पानी की जाहिर सी बात है पानी का बहाव तेज़ होता है और यहाँ पर भी पानी आ जाता है। फिर अभी फ़िलहाल ये कह लें एक जजीरा नुमा जगह है ये वाला आ गया जी वो एरिया और ये आ गया दूसरा एरिया। अब हम चलते हैं जी यहाँ से वापस और जाके जो है जिस मकसद के लिए हमने इतना सफ़र किया है वो वाला अपना मकसद पूरा करेंगे मतलब फ़िश खाएंगे। अभी बस हम बैठते हैं और वापसी की राह लेते हैं। लो जी कश्ती की सैर तो आप आ गए हैं वापस इतने आके हूँ कोई कह रहा इधर आओ कोई कह रहा मैं इधर आओ तो लिहाजा मैं जो बंदे को जाना उन्होंने मैं पहले कह गया ठीक है उन्होंने मैं कहा मैं आवागा तो तुम मछली जी मेरे सामने बेहतरीन जी करके फ्राई करोगे तो मेरे सामने सारा प्रोसैस करोगे ताकि मैं थोड़े वास्ते आसानी कर देव कि इतों की मछली जी रेसपी किस टाइप की है फिर तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि यह कि बनती है। लो जी आ भाई साहब ने कटनी शुरू कर दी इतों इन्हों हल्के हल्के छोटे छोटे कट ला रहा ये मैं भी ट्राई की थी उत्ते लेकिन बहरहाल मुझसे ये नहीं हो पाया उसकी वजह के भाई ये लोग यहाँ के मतलब स्पेशलिटी इनकी और ये पहले कांटे को आइडिया लगा इनको होता है जी यहाँ यहाँ पे कांटे उनको छुरी कर से मतलब नहीं काटना। जब पूरी सब्जी आपके सामने बन के आ जाती है ना मज़े की ये बात है कि भाई उसमें से कहीं कोई ऐसी बात नहीं होती कि हाँ जी यहाँ पर कट लगा हो यहाँ पर ना लगा हो कि भी कांटा जो है वो कहीं इधर से निकल रहा है कहीं उधर से ऐसा कोई सीन नहीं होता ये एक प्रॉपर शेप में ये देखें जी ये अभी इसको भाईजान जो है जी लगाएगा पाई मसाला बल्कि ये इनको लगा रहा है ठीक है ये देखें इसको एक तो फिश मसाला लगाया है दूसरा इन्होंने एक और अपना मसाला तैयार किया है वो लगाया है उसके बाद अभी ये थोड़ा सा यहाँ पर डालेगा शायद सिरका। हाँ जी ये भाई साहब ने डाल दिया जी पतला पतला सा नहीं ये तो मसाला है मसाले के बाद फिर डालेगा क्योंकि सिरका भी यहाँ पे भाई साहब ने रखा हुआ है। ये सारा करने के बाद इसके अंदर एक इनका एक और मतलब कह लें कि वो भी स्पेशल है ये मैं दिखाता हूँ आपको अभी वो लगाएगा असल जो मसाला है ना इनका असल जो टेस्ट है वो है ये हरी मिर्च की चटनी टाइप बनाते हैं और ये उसको इनके अंदर भरेंगे ये जो इन लोगों ने कट लगाए हैं ये देखें जी अब उठाएँ लें जी ये भर रहा है ये देखें ये इसको इसी तरह फुल भरने के बाद मछलियों को ठीक है ऊपर नीचे और दाएं बाएं तसल्ली करने के बाद उसके बाद भाई साहब जो हैं इनको मेरे ख्याल में लगाएंगे मैदा जहां तक मुझे याद पड़ता है क्योंकि मैं अभी आया हूं तो हो सकता है रेसिपी भाई साहब ने कोई कर देती हो चेंज। चलें जी ये मसाला अच्छी तरह से इनके अंदर दोनों साइडों पर भरने के बाद जो है फिर इसको ये जो है वो मैदे में फेंकेंगे और उसके बाद जो है फ्राई करेंगे। फिलहाल जो है भाई साहब ये मसाला फुल भरे जा रहे हैं हमने इनको कहा है जी हमें एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए तो जब जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा स्पाइसी में मसाला जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा ही लगेगा थोड़ा तो नहीं लगेगा। चलें जी इसकी ब्राई तकरीबन हो गई है पूरी अब इसको हम डालेंगे जी मैदे में ये देखें जी एक और टब आ गया इसमें मैदा डाल दिया और उसके साथ जो है फिश उसको जो है मतलब अच्छे से उसको लेप करना है ठीक है ताकि ये जो मसाला भरा हुआ है ये कट लगाए थे इनसे जब फ्राई करेंगे मसाला बाहर ना निकल के आ जाए। ये लें जी अगर आप लोगों ने घर भी तैयार करनी है तो उसका देख ले रेसिपी अगर आप लोगों की समझ में आती है तो ये भी हो जाएगी लेकिन ये जो मसाला बनाएंगे ना यहाँ पे मिर्चों वाला जो इनके अंदर भरा है वो मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुका हूँ तो वो कह लें हमसे तो नहीं हो पाया भैया। खैर मछली तैयार है जी ये गई अब तेल में
ठीक है जी। अभी ये जब तक बन के आएगी तब तक हम करेंगे वेट, जब बन के आ जाएगी सामने फिर आप लोगों को दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। लो जी फाइनली बन के आ गई है जी मच्छी हमारे सामने, क्या खूबसूरत इसकी खुशबू आ रही है फिलहाल, ठीक है। और साथ में आपको ये एक्स्ट्रा मसाला दे देते हैं अगर आपको और भी स्पाइसी करना है या और भी टेस्ट बढ़ाना है, तो ये आ गया रायता और ये आ गया जी इसका अंदर का व्यू, क्या कमाल का, मतलब ये कह लें खुशबू है इसकी और देखने से ही बड़ी जूसी लग रही है। अभी खा के बताते हैं जी। फाइनली हमने मच्छी छच्छी खा ली है, तो यहाँ पे ना दो तीन चीज़ें थी जो मेरे माइंड में आई हैं आते हुए। आपने पानी लाजमी लेके आना है अपना, ठीक है, ये रहा जी पानी, क्योंकि ये पानी यहाँ का फारग। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक अपनी लेके आएँ, और उसके बाद ये टिश्यू बॉक्स ये पड़ा हुआ है ये भी आप अपना लेके आएँ, और उसके बाद ये यहाँ पर आपको मिलने वाला नहीं है टिश्यू, और रायता जो है वो तो बी मस्ट है कि अपना लेके आएँ। उसकी वजह एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा ये कि वो फिर आपको पता है दो दिन का पड़ा होता है या फिर मतलब सम हाउ, तो आपने वो चीज़ मतलब कि ना इन तीन चार चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी यहाँ पे आना है। बाकी मछली का टेस्ट आए हाय हाय कमाल टेस्ट था, ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त थी। तो जब भी आए ये थोड़ी सी जो तीन चार चीज़ें हैं उनको लाजमी ध्यान में रखें। ओके जी, मिलेंगे नेक्स्ट, अल्लाह नेगेबान।